अब हम सबके अंदर एक होता है शैतान और एक होता है एंजल। शैतान हमें बार बार बोलता है कि आज खा ले, शाम को खा ले, कल खा ले, अगले हफ्ते खा ले, डाइट कब करनी है अगले महीने से देखेंगे, अगले हफ्ते से देखेंगे, चलो ये पीस पड़ा है इसको भी खा ले, वो पड़ा है उसको पी ले, चलो आज चल के पिज़्ज़ा पास्ता खा लेते हैं, यार मैं 3-4 दिन से डाइट कर रही थी, अब तो आज तो मेरा चीट डे बनता ही बनता है, मेरा पूरा 2 किलो कम हो गया है तो मुझे तो और आज खाना बनता है, देखो मेरे इंच लॉस कितने ड्रास्टिक हुए हैं, तो उसके बाद तो मुझे और जंक खाना बनता है। शैतान कहता है कि अपने पे तरस खा ले यार, क्या हो गया इतने टाइम से जो डाइट कर रही हो, आज आज जम के खाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में राइज करते करते आप मोटे हो जाते हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 हो जाता है, आप लाइफ में पॉजिटिविटी ख़त्म कर देते हो, आप अंडर कॉन्फिडेंस ज़िंदगी अपनी जीते हो, आपका करियर में काम नहीं बनते हैं और उसके साथ साथ आप डीमोटिवेटेड होते हो। वहीं पे बात आती है एंजल की। नाउ एंजल क्या कहती है कि अपनी बॉडी पे तरस मत खाओ, तुम कुछ गलत नहीं कर रही हो, अपने लिए पॉजिटिव सोच रही हो, क्योंकि जैसे जैसे आप वेट लॉस करते हो, जैसे जैसे आप अपने आप को डिसिप्लिन में डालते हो, फोकस होकर चलते हो, आपकी लाइफ की बाकी चीज़ें बनती चली जाती हैं, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, आप करियर में बहुत अच्छा जाते हो, आपका काम बनते चले जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो वे ऑफ अपने आप को कैरी करने का जो कॉन्फिडेंस है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाता है। हमें अपने अंदर की एंजल को फोकस करके खींचना है, हमने अपने अंदर के एविल को, स्पेशली आज के दिन जब दशहरा है, इसको टाटा बाय बाय करना है, ताकि हम अपने करियर में आगे चल सकें, अपने आप को फिट कर सकें, अपने आप को कॉन्फिडेंस में ला सकें। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी विंटर्स के वेट लॉस डाइट की, जिसमें हम फास्ट वेट लॉस पे बात करेंगे, बिकॉज ऑफ वेडिंग सीजन, बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ चीज़ें, बहुत लंबे समय से अगर आप लेकर चल रहे हो कि यार मेरा वेट लॉस होना है, होना है, करना है, करना है, मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो 5-6 सालों से मैं देख रही हूँ जस्ट माइंड सेट ही करने में तुले हुए हैं कि करना है, गॉड नोज उनका माइंड सेट कब होगा, एंड आई एम श्योर उनमें से आप भी एक बंदे होंगे जिसका माइंड सेट नहीं सेट हो पा रहा कि उनको वेट लॉस करना तो है, परंतु कब से करना है वो आप लोगों को भी नहीं पता। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं। जब मेरा वेट लॉस जर्नी चल रहा था, व्हेन आई वाज लाइक 98 kgs, और यहाँ पे मैं 60s पे आई हूँ या 58 kgs पे आई हूँ, ट्रस्ट मी मेरी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, अप डाउन का ग्राफ बहुत ड्रास्टिक मैंने देखा है, आज तक चल रहा है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीज़ों को पकड़ के बैठ जाएं और अपने पूरा जर्नी की ऐसी तैसी कर दें। आज की वीडियो स्पेसिफिकली इस टॉपिक पे है कि आपको फोकस होके चलना है। नाउ वेट लॉस कोई भी तरीके से करेंगे, मैं 7 ईयर्स से एक ही मंत्र आपको बोलती आ रही हूँ, चेक योर वेट एवरी डे। अगर आपने जंक भी खाया, जस्ट चेक योर वेट एवरी डे। नंबर वन, सबसे बेसिक रूल, सबसे पहले उठ के आपने अपना वेट चेक करना है, सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद विदाउट क्लोथ्स। नंबर टू, विंटर्स है, विंटर्स में स्लीप बहुत अच्छी आती है, इट मींस आपका वेट लॉस होने के बहुत हाई चांसेस हैं, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से रेस्ट करती है, बहुत बहुत अच्छे से। नंबर थ्री, दिन बहुत छोटे हैं तो भूख कम लगेगी, क्रेविंग्स का एक अलग पैटर्न है विंटर्स में, बट भूख बहुत कम लगेगी, सो विंटर्स सबसे बेस्ट टाइम होता है आपके वेट लॉस करने का। मेरा तो लाइफ में जब भी वेट लॉस मैक्सिमम हुआ है वो विंटर्स में ही हुआ है। नंबर फोर, विंटर्स हैं, इट मींस कि आप आलस नहीं खाओगे, कि पानी तक भी लोग नहीं पीते हैं ना, डिहाइड्रेटेड रहते हैं, परंतु आपने पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नंबर फिफ्थ, विंटर्स है, पूरे दिन गर्म पानी नहीं पीना, आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत हीटेड है, आप उसके अंदर और हीट वाली चीज़ डाल रहे हो, गर्म गर्म पानी पी के पूरे दिन आप अपनी पूरी बॉडी को हीट में डाल रहे हो और बॉडी अगले दिन स्वॉलन हो जाएगी। नंबर सिक्स, आपने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आपने फोकस होके चलना है, बिल्कुल फोकस होके। फेस्टिवल्स आएंगे, फेस्टिवल सीजन आएगा, खाना पीना होगा, परंतु एक चीट मील होता है, एक पूरा दिन चीट का नहीं होता। नंबर सेवन, एक दिन चीट कर ली तो नेक्स्ट डे आपने फोकस होके आगे चलना है कि यार ये दिन हो गया, स्टॉप एंड अब आगे चलते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें अगर आप इसको लेकर चलोगे, ट्रस्ट मी, आपका वेट लॉस भी होगा, आपके बाकी चीज़ें भी सेटल डाउन होंगी। आज की वीडियो हम बात करते हैं क्विक एंड फास्ट वेट लॉस की, स्पेशली फॉर विंटर्स। अब फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं किचन में और बनाते हैं हमारी मॉर्निंग ड्रिंक। सो ये हमारे पास विंटर्स के कुछ ऐसे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो हम विंटर्स में यूज़ करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास सिनेमन स्टिक, नेक्स्ट हमारे पास है केसर, नेक्स्ट हमारे पास है मोटी इलायची, नेक्स्ट मेरे पास है तेज पत्ता, एंड अनदर थिंग इज अजवाइन।
इनमें से किसी भी एक चीज़ को आप सोक करेंगे एक गिलास पानी के अंदर ओवरनाइट, फॉर एग्जांपल तेज पत्ता है तो एक तेज पत्ता सुबह उठ के हल्का सा गर्म करके छान के पी लिया, या फिर पिंच ऑफ केसर डाल लिया हमने, या फिर हमारे पास जो हमारी ये मोटी इलायची है इसको डाल के सोक कर लिया, दो इलायची इनफ है एक पर्सन के लिए, पिंच ऑफ अजवाइन हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास होने चाहिए किचन में फॉर विंटर्स मॉर्निंग ड्रिंक। वेलकम बैक जी। मॉर्निंग ड्रिंक के तुरंत बाद हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। नाउ ब्रेकफास्ट हमारा हो जाना चाहिए विंटर्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9:30 तक, अगर आप जितना मर्जी भी लेट उठे हो। 9:30 तक जो ब्रेकफास्ट होगा उसका जो मेन्यू होगा, मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारी विंटर्स चपातीज की रेसिपीज डाली हुई है, मक्की की रोटी, बाजरा की रोटी, प्याज एंड तिल की रोटी, येलो मूंग दाल की, ओट्स की रोटी, रागी की रोटी, प्याज की रोटी, मूली की रोटी, गोभी की रोटी, देर इज़ अ वेराइटीज ऑफ रोटीज, वो भी मल्टीग्रेन, स्पेशली हमारी मक्की एंड बाजरा की रोटी। सो इनमें से कोई भी चपातीज आप पिक कर सकते हो, अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको सैंडविचेस खाने का मन है, मेरे चैनल पे बहुत सारी सैंडविचेस की रेसिपीज, आप इनमें से कोई भी रेसिपीज पिक कर सकते हो। विंटर्स के अंदर सबसे बेस्ट पार्ट आती है साग, मेथी, बथुआ, पालक, आंवला, चुकंदर और गाजर, मटर एंड गोभी, ये उसकी सीजन की सब्जियां हैं, स्वांजना, कचनाल, ये सारी सब्जियां आप इन चपातीज के साथ मिक्स एंड मैच करके ऐड करेंगे। ये सारी की सारी सब्जियां मेरे 75 डेज चैलेंज में मैं आपको दिखाऊंगी, मैं विंटर्स की हर एक एक चीज़ खाती हूँ, पिन्नीस भी खाती हूँ। सो ये सारा है हमारा ब्रेकफास्ट का मेन्यू। नेक्स्ट, अगर आपको चाय के शौकीन हो आप बिल्कुल चाय लीजिए, परंतु मेक श्योर उसमें किसी भी प्रकार की कुछ भी चीनी, गुड़, शक्कर, खांड ना डली जाए। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जी हमारे मिड ब्रेकफास्ट की। मिड ब्रेकफास्ट में मैंने यहाँ पे मेरे चैनल पे बहुत सारी वेराइटीज़ की लड्डूज डाले हुए हैं, बहुत सारे लड्डू, सिनेमन लड्डू है मेरे पास, पंजीरी है मेरे पास, कोकोनट बेसन लड्डू है मेरे पास, फ्लैक्स सीड्स के लड्डू है मेरे पास, सीड मिक्स लड्डू हैं। इनमें से कोई भी लड्डूज आप उठाएंगे अपनी डाइट में ऐड करेंगे एंड शौक से खाओ एक से दो लड्डू मिड ब्रेकफास्ट के अंदर, एंड उसके साथ लेंगे हम कप ऑफ ग्रीन टी, कोई भी टाइप की ग्रीन टी, किसी भी टाइप की ग्रीन टी। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जी लंच की। नाउ लंच में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको 7 लंच की न्यू रेसिपीज़ क्या इंट्रोड्यूस करूँगी विंटर्स की, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। परंतु लंच में मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी डाल रखी है, पालक पनीर की, पालक साग की, पालक दाल की, साग की, हमने सरसों के साग की वीडियोज़ डाली हुई है सैलड की, एंड उसके अलावा मेरे चैनल पे बहुत सारी मेथी रिलेटेड रेसिपी है, पम्पकिन और मेथी की रेसिपीज़ है, मेथी और दाल की रेसिपीज़ है, बीन्स की रेसिपीज़ है, बीन्स एंड दाल की रेसिपीज़ है, ब्लैक चना रेसिपीज़ है। आप इनमें से कोई भी सब्जी आप पिक कर सकते हो, सैलड पिक कर सकते हो एंड अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। परंतु अगर आपको ये खाने का मन नहीं है देन आप कोल्ड कॉफ़ी की कोई भी रेसिपीज़ मेरे चैनल से पिक कर सकते हैं एंड अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। परंतु अगर आपको ये सब खाने का भी कोई भी मन नहीं है, किसी भी टाइप की चीज़ का मन नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मेरे चैनल पे खिचड़ीज़ की रेसिपीज़ है बहुत सारी, आप कोई सी भी खिचड़ी उठाइए एंड उसको फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इवनिंग टी की। नाउ इवनिंग टी में हम यहाँ पे लेंगे या तो शतावरी, या फिर हम उसके साथ लेंगे हमारी लेमन ग्रास टी, या फिर हम उसके साथ लेंगे हमारी सिनेमन टी। आप तीनों टीज में से कोई भी एक टी मिक्स एंड मैच करके ले सकते हैं एंड उसके साथ हम लेंगे कोई भी एक सीजनल फ्रूट। इस समय गुआवा हमारा, ग्रेप्स हमारे, संतरे हमारे, माल्टा, चीकू बहुत सीजन में बहुत फ्रेश मिलते हैं, आप इनमें से कोई भी एक फ्रूट उठाएंगे एंड अपनी डाइट में ऐड करेंगे। नेक्स्ट, अब सबसे क्रिटिकल पार्ट आता है डिनर का। नाउ डिनर एक ऐसी चीज़ है जो कि सारा गेम चेंजर है, या तो वो आपको पूरा डाइट स्पॉइल कर देगी, ख़राब कर देगी। सुबह मैं 4 बजे तक काम कर रही थी, 3:30-4 हो गए थे, मैं इतना क्रेविंग कर रही थी ना कि मुझे कुछ मिल जाए और मैं और थोड़ा काम कर लूँ। परंतु वो जो टाइम होता है ना खुद को कंट्रोल करने का, वो सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपका डिनर का जो सबसे क्रिटिकल टाइम है वो बिल्कुल ध्यान रख के चलो। जो जो लोग मिड ये इवनिंग का टाइम का हमारी टी स्किप करते हैं, उन लोगों की 99.9% डिनर में गलतियां और गड़बड़ी होती है। नाउ डिनर के अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ लेंगे जो कि आपकी क्रेविंग्स को किल करेगी, आपकी आपको एनर्जी देगी एंड उसके साथ साथ आपका जो डाइट है वो आपको वेट लॉस तो देगी देगी साथ साथ। सबसे पहली चीज़, मेरे चैनल पे बहुत सारे शीराज की रेसिपी है, बहुत सारे शीराज की रेसिपी। मेरी अपकमिंग वीडियो में मैं 7 शीराज की रेसिपीज़ में आपके लिए लेके आ रही हूँ न्यू रेसिपीज़।
बेसन शीरा है, सूजी का शीरा है मेरे चैनल पे। मेरे चैनल पे बेसन का और सूजी का हलवा भी है। उसके अलावा मेरे चैनल पे यहाँ पर पम्पकिन लाटे है और अंजीर का मिल्क है, केसर मिल्क है, मसाला मिल्क है। इनमें से कोई भी आप एक गिलास मिल्क ले सकते हो, यू विल फील लाइक शांति एंड क्रेविंग्स ख़त्म। परंतु अगर आपको ये सब लेने का मन नहीं है, मेरे चैनल पे बहुत सारे सूप्स की रेसिपीज़ हैं, आप इनमें से सूप्स ले सकते हो। बट मेक श्योर जब भी आप सूप ले रहे हैं उसके साथ आप 50 ग्राम्स ऑफ टोफू पनीर या फिर अपना घर का होममेड पनीर सौते करके खाएंगे। मैंने अभी रिसेंटली मैक्सिकन सूप की रेसिपी डाली थी, आप ये वाला सूप भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नाइट ड्रिंक की। नाउ नाइट ड्रिंक के अंदर विंटर्स में कॉन्स्टिपेशन होने के 99.9% चांसेस होते हैं। कॉन्स्टिपेशन क्योर करने के लिए मैंने अपने चैनल पे विंटर्स का वेट लॉस चूर्ण डाला है, विच इज़ दिस वन, एंड इसको हम लेंगे अपने नाइट ड्रिंक में। परंतु अगर ये भी आप नहीं ले सकते देन हम लेंगे त्रिफला पाउडर। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पानी का इंटेक का ध्यान रखना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी पीना है। 3.5 लीटर मिनिमम आपकी बॉडी के अंदर विंटर्स में जाना चाहिए। सो ये था पूरा का पूरा डाइट स्पेशली फॉर विंटर्स। अपकमिंग वीडियो में मैं 7 विंटर्स की टॉप 7 रेसिपीज़ लेके आऊँगी सीजन में, जिसके अंदर मैंने शलगम, पालक, मेथी, बथुआ, साग, आंवला, बीटरूट एंड गाजर का बहुत मैक्सिमम यूज़ करा है, ताकि हम विंटर्स की चीज़ों को पकड़ सकें एंड आगे लेकर चल सकें। नेक्स्ट और कुछ और वीडियोज़ मैं लेके आऊँगी जिसके अंदर विंटर्स की शीराज की रेसिपीज़ होंगी एंड सूप की रेसिपीज़ होंगी, एंड ट्रस्ट मी वो आपको बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगेगी। डाइट हमने करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को क्रेव करके डाइट करेंगे। हम अपने आप को ठीक करके, क्रेविंग्स खत्म करके और सब कुछ खा के डाइट करेंगे, करेक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसको लगता है कि उसका वेट लॉस होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं कुछ अपकमिंग ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही हूँ जिसको आप देख के शॉक्ड हो जाओगे कि समबडी, हाउ कैन समवन लूज लाइक दिस, इतना मोटे से इतना। सो आप लोग भी कर सकते हो। And that's it. I'll see you soon. Thank you so much for watching. Take care, ji. Bye bye. And wishing you all a happy, happy, happy Dussehra day.